हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस के एजुकेशन सेंटर बीजेपी में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज ये हमारा चौथा पार्ट है, ठीक है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर, जहाँ पर भी आप किसी भी ग्रुप से, एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर व्हाट्सएप हो, कहीं भी जुड़े हुए हो, वहाँ आप इस वीडियो को शेयर करके आ जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि बीच में आपको कहीं जाना नहीं पड़े, ठीक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दक्षिण भारत से, ठीक है, दक्षिण भारत का ये टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन है मीनार, शिखर, गोपुरम में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि का भूमि कहा जाता था? तो आंसर होगा सालाभोग। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था? तो आंसर होगा वेलन वगाई। सही सुमेल यहाँ पर किया गया है स्तंभ एक को स्तंभ दो से। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। देलवाड़ा मंदिर राजस्थान में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। हम्पी में स्मारकों का समूह कहाँ है? तो कर्नाटक में। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में स्थित है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? आंसर होगा पल्लव राजाओं ने। महाबलीपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर डैश में स्थित है, तो तमिलनाडु में है। तंजावुर सबको पता है कि तमिलनाडु में स्थित है। चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? आंसर होगा कृष्ण तृतीय। इसके शासनकाल में भेनसाव ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम के। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था? तो आंसर होगा राजराजा चोल। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा कांचीपुरम। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? तो आंसर होगा कदम्ब का। महाबलीपुरम के रथ मंदिर डैश का एक उदाहरण? तो आंसर होगा चट्टानों से कटे मंदिर का। एलोरा में कैलाश मंदिर डैश का एक उदाहरण है और ये भी आंसर हो जाएगा चट्टानों से कटे मंदिर। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका द्रविड़ शैली है। भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? तो आंसर होगा दक्षिणी। नेडियोन, उदयन जेराल, नेदुन जेराल एवं नेडुम में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो आंसर होगा नेडियोन। किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? तो आंसर होगा 8वीं सदी। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो आंसर होगा पांडव। महाबलीपुरम में स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो आंसर होगा रथ, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम एवं नंदी वर्मन। में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया? तो आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। अब ये ऑफलाइन परीक्षा है 2006 से 15 तक और उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा 2017 से 18 का क्वेश्चन है इसमें। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अरिकमेडु। अरिकमेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती थी तथा फिर यहां से रोम को जाती थी। अरिकमेडु पांडिचेरी से रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके तथा बर्तन प्राप्त किए गए हैं। अतः स्पष्ट है कि संगम काल में अरिकमेडु रोमन साम्राज्य के मुख्य केंद्रों में से एक था। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? आंसर हो जाएगा इसका राजेंद्र चोल गंग को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था। चोल राजा राजेंद्र ने दक्षिण निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो आंसर हो जाएगा त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोलन ने धारण की थी। शेष सभी उपाधि राजेंद्र प्रथम ने अपने विजय के विभिन्न अवसरों पर धारण की थी। चौथा नंबर है अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? आंसर हो जाएगा शिव।
अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित है। राजराजा प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। पांचवा नंबर है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विशिष्ट कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थानों में दान दी गई भूमि कहा जाता था। कौन सा हो जाएगा? पल्ली चंदम। चोल अभिलेखों से दान में दी जाने वाली भूमि के उल्लेख मिलते हैं जो विभिन्न धर्मों एवं सामाजिक समूहों को प्रदान की जाती थी। जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को पल्ली चंदम कहा गया। छठा नंबर है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? आंसर होगा इसका दक्षिण। चोल वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। सातवां नंबर है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? आंसर होगा राजराजा प्रथम। चोलों द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया था। चोल शासक राजराजा प्रथम ने सिंघल पर आक्रमण कर उसके उत्तरी हिस्से पर अधिकार कर लिया, जबकि संपूर्ण सिंघल तथा दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का श्रेय राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया को श्री विजय राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप जावा सुमात्रा तथा अन्य द्वीप सम्मिलित थे। मालदीव की विजय का श्रेय राजराजा प्रथम को प्राप्त है। इस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। तो आंसर होगा राजराजा। नौवां नंबर है, उत्तर मेरूर शिलालेखों से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो आंसर होगा चोल। उत्तर मेरूर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों से चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये शिलालेख 919 ईस्वी तथा 929 ईस्वी के समय के हैं। दसवां नंबर प्रश्न है, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंड चलीपुरम चोलपुरम का निर्माण किया? आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। चोलों की नई राजधानी गंगईकोंडा चोलापुरम का निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा करवाया गया था। इसका आंसर होगा चोल राजाओं का शासन था। आंसर होगा तमिलनाडु पर। चोल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय चोल साम्राज्य में दक्षिणी राज्यों का अधिकांश भाग सम्मिलित था, परंतु चोल साम्राज्य की स्थापना एवं पतन के समय यह तमिलनाडु राज्य के अंदर ही सीमित हुआ था। 12 नंबर है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उरैयूर। प्राचीन चोल संगमकालीन साम्राज्य की राजधानी उरैयूर थी। संगमकालीन इस वंश के शक्तिशाली शासक करिकाल द्वारा राजधानी को कावेरीपट्टनम में स्थानांतरित किया गया। 9वीं शताब्दी में विजयालय ने तंजावुर को चोल राज्य की राजधानी बनाया। 11 नंबर है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। अतः उसके आरंभिक निवास स्थान को सामान्यतया राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी माना जा सकता है। दंती दुर्ग के शुरुआती अभिलेखों के आधार पर डॉक्टर अल्टेकर ने राष्ट्रकूट राजधानी को एलोरा के आसपास के क्षेत्र में बताया, जिसे सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। कालांतर में मान्यखेद राष्ट्रकूटों की राजधानी बनी। 14 नंबर है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। महाराष्ट्र के एलोरा के में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। यह मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। 15 नंबर है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का किस करवाया? तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा। एलोरा में गुफाएं और शैलीकृत मंदिर है। ये भी हो जाएगा हिंदू बौद्ध और जैन धर्म ये सभी का है। एलोरा में अवस्थित गुफाएं एवं शैलीकृत मंदिरों का संबंध हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों के साथ है। औरंगाबाद के एलोरा में अधिकांश गुफाओं एवं शैलीकृत मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा कविराज मार्ग। इसका है गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघवर्ष धर्म और साहित्य का अनुरागी राष्ट्रकूट शासक था और उसने स्वयं कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ लिखा था। आदिपुराण को जीन सैन्य गणित सार संग्रह को महावीराचार्य ने और अमोघवृत्ति को साकटायन ने लिखा है।
18 नंबर है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संकलित संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो आंसर हो जाएगा पल्लवों द्वारा। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा पल्लवों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो आंसर हो जाएगा इसका कन्नड़ काव्य के तीन कवि पंगा पन्ना, पंपा पन्ना और रन्ना द्वारा था कैलाशनाथ मंदिर। कन्नड़ काव्य के कवि पंपा पन्ना और रन्ना के संरक्षण सहित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में ठोस चट्टान कटवा कर कैलाश मंदिर बनवाया, जो वास्तु को कला का आश्चर्य माना जाता है। 20 नंबर है, एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था? तो आंसर होगा राष्ट्रकूट में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरू नामक स्थान पर स्थित है, जहाँ 34 शैलकृत गुफाएँ बनाई गई है। इक्कीस नंबर है, कौन सा भारतीय साम्राज्य जिसे साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित किया गया है? तो ये हो जाएगा पल्लव वेल्लोर का मैचिंग गलत है। पल्लव वेल्लोर पल्लव वंश की राजधानी नहीं थी, पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। से सभी सही है, सही दोनों का ऑप्शन है। 22 नंबर है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया? तो आंसर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। 23 नंबर है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो आंसर होगा पल्लव राजवंश। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। 24 नंबर है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध थे। रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। 25 नंबर है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो आंसर हो जाएगा वातापी के चालुक्य का। पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य वंश वातापी से संबंध था। यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इस वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। 26 नंबर है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा एहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रविकीर्ति ने की थी। हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध पर भी यह लेख प्रकाश डालता है। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। 27 नंबर है, रविकीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का। एहोल प्रशस्ति की रचनाकार रविकीर्ति जैन कवि था, जो इसको चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। इसने एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का विस्तृत विवरण दिया था। स्टूडेंट्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँच सके, ठीक है। 28 नंबर है, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय पश्चिमी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। 29 नंबर है, प्रसिद्ध दिनवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? आंसर होगा राजस्थान में। 'दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। 30 नंबर है, द्वितीय पांडवन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो आंसर हो जाएगा थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। द्वितीय पांडवन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख थलवईपुरम की तांबे की प्लेटों में किया गया है। 31 नंबर है, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा सोमदेव ने कथा सरित सागर नामक पुस्तक लिखी।
32 नंबर है विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा विल्हन। विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हन थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम दक्षिण भारत के सारे जीएस हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। अब कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में गुप्तोत्तर काल से हम शुरू करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, सोशल मीडिया में, जहाँ भी स्टूडेंट्स के ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं वहाँ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए हम इतना अच्छा से अच्छा कंटेंट ला रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग सब्सक्राइबर या फिर लाइक व्यू करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।